सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर नेक कैसे बनाते हैं। ये कुर्ती मैंने कट कर ली है और ये कुर्ती जो है ये बोट नेक में बनाऊंगी मैं नेक इसका। तो इसको अभी हम फोल्ड कर देते हैं और इसका बोट नेक कट कर लेते हैं। शोल्डर से 4 इंच और जो इसकी गहराई ले रही हूँ मैं 4 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच हमारा शोल्डर पे स्टिचिंग में चला जाएगा, तो 3.5 इंच में तैयार में रहेगा। अगर आप थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो 4.5 इंच ले सकते हैं, जिससे कि आपका नेक 4 इंच में तैयार रहेगा। ये मैंने 4 इंच में लिया है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना लिया। अभी जो इसकी गुलाई दूंगी मैं वो 2 इंच दूंगी। ये इस तरह से आएगी इसकी गुलाई। जो ड्रॉ किया है सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेंगे। तो उसके लिए हम कुर्ती को साइड में रख देते हैं। डिजाइन के लिए मैंने दूसरा क्लॉथ लिया है, तो ये भी बचा हुआ क्लॉथ है। आपके पास कोई भी बचा हुआ क्लॉथ है उसमें से आप डिजाइन दे सकते हैं। तो इसको मैं पहले इस तरह से कट कर देती हूँ। ये हमारा क्रॉस में कटा हुआ कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा स्ट्रेट है तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस तरह से क्रॉस में रख लें और यहाँ पर इस तरह से इसको कट करें, जो भी क्रॉस में पट्टी कट करनी है। लेकिन ये कपड़ा हमारा क्रॉस में है तो हम इसको स्ट्रेट करके इसी में से पट्टी कट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से एकदम सीधा देख लें कि बराबर से आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने सीधा रख कर दिया कपड़े को। और इसके बाद जो मैं चौड़ाई इसकी ले रही हूँ, जितना हमारा स्केल है लगभग 1.5 इंच के आसपास है, इसे 1 सेंटीमीटर कम है, तो हम सेम इसको 1.5 इंच का चौड़ी पट्टी का निशान लगा लेते हैं जो कि हम कट करेंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो जो पट्टी हमारी है बराबर से आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारे इस तरह से निशान लगा लिया हमने और सेम ड्रॉ पे इसको कट। कर दिए हमने। आपका नेक अगर ज़्यादा डीप है तो आप इस तरह की 2-3 पट्टी कट कर सकते हैं, लेकिन ये 1 पट्टी काफ़ी है। अभी जो हमने नेक कट किया था, अभी जो ये बचा हुआ कपड़ा है, अब इसको हम इस तरह से ही सीधा है तो आप इसको इस तरह से ही रखें, क्योंकि नेक हमको स्ट्रेट में ही काटना है, उसको क्रॉस में नहीं कट करना है। तो ये इस तरह से आएगा। तो आप अगर इस कलर का डिजाइन पाइपिंग देना चाहते हैं तो आप इस कलर का दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें येलो कलर का दूंगी क्योंकि हमारा ये कलर तो इसमें आएगा ही, तो हम येलो कलर में पाइपिंग कट कर लेते हैं। तो जो ड्राफ्ट है हमारा नेक का, सेम ड्राफ्ट रख के आप इसको कट कर लें और इसको 2 इंच के आसपास रखें, क्योंकि 1 इंच की हमारी कैनवास आएगा तो उसके ऊपर हम इसको पलट सकें। 1.5 से 2 इंच तक चौड़ी कर। नेक तैयार हुआ है, सेम कैनवास कट कर लेंगे। ये मैंने कैनवास और नेक पट्टी दोनों कट कर लिए। अभी जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो इसको इस तरह से बाहर की साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद नेक पर स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने ये पट्टी कट करी है उस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक पर इस तरह से स्टिच डालेंगे। इस तरह स्टिच डालने के बाद
जो नेक तैयार करेंगे उसके ऊपर फिर हम स्टिच कर देंगे, तो हमारी ये येलो कलर की इसके ऊपर पाइपिंग आ जाएगी। मैं आपको बताती हूँ इसका सिलने का तरीका। ये पूरे में 1-1 इंच का ही निशान लगाना है। ये 1-1 इंच का इस तरह से निशान लगा लिए हैं। ये मैंने मोती लिए हैं और ये मैंने 2 लेयर थ्रेड ले लिया है। अभी आपको बताते हैं आप किस तरह से इसको लगाना है। जो जिस तरह आपका हाथ सीधा पड़े उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप नीचे से करें, इस तरह से जो निशान है हमारा 1 इंच का यहाँ पर, इस तरह से लास्ट में पाइपिंग के थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से लें और इसको इस तरह से लें। और इसको इस तरह से खींचते हैं, तो इसको इस तरह से खींचें जो कि पलटे नहीं, इस तरह से अंदर की तरफ चला जाए। तो यहाँ से फिर से आप इस तरह से ले लें इसको। तो ये इस तरह से यहाँ पर टाइट कर दें, इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। और इसको एक दो बार और ले लें जिससे कि एकदम टाइट हो जाए। और जो ये मोती है इसके अंदर से इसको निकालें अभी। और इसके ऊपर से लगा दें जिससे कि जो हम सिलाई डाल रहे हैं वो कवर हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने सिलाई डाला है वो पूरा इससे कवर हो गया है। और इसको अंदर ही अंदर टाइट कर दें। तो देखिए इस तरह से। अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, सेम हम उसी तरह करेंगे। धागे को तोड़ना नहीं है, आप एक ही लाइन में धागा यूज कर सकते हैं बैक साइड का। और अगर आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं जो ऊपर से है, इस तरह से निकालते हुए और फिर से आप इस तरह से ही निकाल लें इसको। और इसी तरह यहाँ पे भी इसको टाइट कर लें जैसे कि हमने फर्स्ट वाला किया है। जब इस तरह से टाइट हो जाए तो सेम आप इसके ऊपर मोती लगा लें जिससे कि आप देख सकें जो फिनिशिंग है वो बराबर से आ रही है। तो जितने भी हमने निशान लगाए सेम निशान पर मैं इसी तरह डिजाइन बना लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे डिजाइन जो मैंने पॉइंट दिए थे सब पे इस तरह से स्टिचिंग डालने के बाद मोती लगा दी है। तो जो सिलाई डाली है वो नहीं दिख रही है। और आप देख सकते हैं एकदम हमारा सिंपल सा और ब्यूटीफुल डिजाइन बनकर तैयार है। इसे आप इस आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।